जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। कैसे भी इस बार तो खाना बनाना ही होगा। एक बार बाबू की इज्जत उनकी पहचान वालों के सामने रह जाए, उसके बाद बाबू को सब बता दूंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये तो बहुत सारी है, आज रात घर का काम निपटाकर ये सारी बुक याद कर लूंगी। जाने बाबू कल क्या बनाने को कह दे। भाभी सा। नमस्ते भाभी सा। नमस्ते छोटू। सुबह से मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मिलने चला आया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वैसे भाभी सा, आप मुझे एक बात सूरज भैया, आप मुझे यहाँ पर खस्ता पापड़ी खिलाने लाए थे, अब तो खस्ता पापड़ी कहाँ? हाँ छोटू, तो यहाँ पे बैठ के भाभी साहब के साथ बात कर, मैं भाभो के हाथ की बनी खस्ता पापड़ी लेके आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेके आता हूँ। मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं लेके आता हूँ। जी मैं ले आती हूँ। नहीं मैं एकदम फिल्मी सीन था, मजा आ गया। जी मैं लेके आता हूँ। नहीं जी मैं लेके आती हूँ। जी मैं लेके आता हूँ। नहीं जी मैं लेके आती हूँ। छोटू चुप कर, जा जाके रद्दी की किताबें निकाल पुर्ती से, चल जा, बहुत बातें करता है। सूरज भैया, ये रद्दी की किताब यहाँ कैसे आई? कोई बात नहीं, गलती से पड़ी होगी तो रख दे इसमें। छोटू रुक, खस्ता पापड़ी। अरे तेरी भाभी तेरे लिए खस्ता पापड़ी लेने गई है, लाइए मैं इन्हें दुकान पे ले जाता हूँ। तो जल्दी आना। हाँ जल्दी। अरे आ जाऊंगा। हाय भाभीसा, आप डर गए। भाभीसा डर गए, डर गए। जी लीजिए खस्ता पापड़ी। बाबू बहुत अच्छा खस्ता पापड़ी बनाती है ना? भाभीसा आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं आप तो सब कुछ ही अच्छा बनाती होंगी। नहीं छोटू। अब भाभी सा आप ना सूरज भैया से डांट पड़वाओगी। सूरज भैया ने कहा था जल्दी आना, लेकिन भाभी सा इतनी जल्दी मैं इतना सारा कैसे खत्म करूंगा? छोटू ये आप अपने साथ ही ले जाओ। जी भाभी सा, थैंक यू। कहाँ गई? यही तो रखी थी।
ये रैक भी खाली है। टुडू, लिफाफा देख। हाँ। सूरज भैया, तेल में राई डाली जाती है तो वो उठती है। तुम घबराना, डरना नहीं। उस वैसा ही हलवा बनाकर ले आओ जैसा उस दिन बनाया था। कैसे बनाऊंगी, क्या करूं, भाभों का विश्वास टूटने से कैसे बचाऊं? मुझे भाभों को जाकर सच बता देना चाहिए ना मुझे खाना बनाना आता है ना ही घर का कोई काम, और ना ही मैं सातवीं पास हूं। मार्कशीट्स, ये सर्टिफिकेट्स, सोचा था जिंदगी में मान बढ़ाएंगी, लेकिन आज यही मुझे झूठा साबित कराएंगी। भाभी, आज तक भैया के जिस झूठ को मैंने सबसे छुपा कर रखा सिर्फ इसलिए कि आप पर और भैया पर कोई उंगली ना उठा सके, लेकिन अब शायद मैं अपने घर की इज्जत मैं और नहीं बचा पाऊंगी। मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं अगर कल बाबू की सहेलियों के सामने मैं खाना नहीं बना पाई। तो बाबू का विश्वास टूट जाएगा। नहीं भाभी, उनकी तो कोई गलती भी नहीं जिसकी उन्हें सजा मिले। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। भाभों की इज्जत के लिए मुझे अपना सच बताना ही होगा। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे माफ कर देना।
इसका मतलब इनको खाना बनाना नहीं आता? अब सूरज भैया, मैं कब से ये लड्डू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आपके वाले, लेकिन ये बन ही नहीं रहे। कब मैं आपकी तरह इन लड्डुओं को बना पाऊंगा? पता नहीं, बार बार चूरा हो रहे हैं। सूरज भैया, मुझे नहीं लगता ये मुझसे होगा। आपको कोई जादू टोना का मंत्र पता है? क्या जादू टोना? ना, बात सिर्फ हाथ की कला की है छोटू। लड्डू बहुत आराम से बनते हैं, देख ध्यान से। धीरे धीरे ऐसे हथेलियों पर ऐसे घुमाओ, अंगूठे से नहीं दबाना। अरे वाह सूरज भैया, ये तो इतना गोल गोल सुंदर लपलपा लग रहा है, मन कर रहा है पहला वो खुद को ही लगा लूं। छोटू, बात सिर्फ ध्यान देने की है, तो ध्यान देगा ना तो कुछ भी बनाना बहुत आसानी से सीख जाएगा। अगर सिखाने वाला मास्टर आपकी तरह हो तो कौवा भी ना हंस की चाल चलना सीख जाए। आप तो ना खाना बनाने का स्कूल खोल लो। वो मैं आपसे कुछ कहने आई थी कि मुझे वो कल जो मुझे खाना बनाना है, दही बना सकती? संध्या जी, आपने देखा नहीं, भाबो भाबो जाप कर रही हैं। अब वो जाप करते हुए किसी से बात नहीं करते। सूरज, अभी अभी थारी बीनड़ी आई थी ना यहां, के काम था उसने हमारे से? हाँ, समझ में आया। काल खाने में के बनेगा ये पूछने आई होगी। बता, कल खाने में के पकवान बनेगा? बाबो, कल खाने में दाल बाटी चूरमा। कहवे है ना कि एक बात ने दोनों साथ बोले हैं तो बहुत शुभ होवे, इसलिए पक्का काल बीनी के हाथ से दाल बाटी चूरमा और गट्टे को साग भी बनेगा। जाकर कह दे उससे। जी, जी बाप। हे ठाकुर जी महाराज। अरे आज तो मजा आ गया, 6 महीने पुरानी साड़ियों के भी 5,000 रुपए मिल गए। अरे चल अंदर जल्दी घुस ले, सोना है मुझे, नींद आ रही है।
इधर कहाँ से जा रहे हो? उधर से चलो, पता चले भावो फिर वसूली पे आ गई। चलो अरे क्या फायदा है, क्या फायदा, सुबह तो पैसे देने पड़ेंगे भावो को है। मारे पियर की एक कहावत है, आज टलती है तो टालो वरना दलिया धूप में सुखा लो। चलो कम से कम आज के दिन तो सुकून से सोएंगे, आज के दिन के तो पैसे बच गए। बाबू तू सोई नहीं अभी तक? मेरा मतलब तू अभी तक सोई नहीं, इतनी रात हो गई है। सोती कैसे बेटा, आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, हमारा छोरा बाबू को घर खर्च देने वाला है। क्यों, सुबह तो तूने कहा था, याद नहीं, भूल गया? अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबू, सबसे पहले पैसे लेने गया था मैं, अब मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, देख अचानक देख तू मेरे सामने आ गई, पैसे लाया हूं मैं। लिया फेर दे। ये। दुकान की चाबी दुकान पर रह गए? नहीं 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 नहीं, मेरे पास है, मेरी जेब में है, मैं लाया हूं ये। ये देख बाबू, ये ले बाबू। सूरज का बोझ हल्का हो जाएगा। आगले मैंने थोड़ा बड़ा कर दिए। ये तो रात को भी नहीं सोती, चौकीदार है क्या? तू सुबह की बात कर रही थी, रात में पैसे ले गई वो। चौकीदार नहीं है तुम्हारी माँ, चलो। सुनिए, जी जी क्या मैं, ये मेरी परीक्षा थी, या तो मैं सफल होती या असफल, लेकिन इस तरह बेईमानी से जीतना मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ नहीं, इन्हें मेरी मदद की जरूरत है, ये कभी अपने आप से नहीं कहेंगे मुझसे, मुझे ही कहना चाहिए। परेशान सी दिख रही है ये, अब तो कहना ही होगा। मदद तो मैं इनकी ले सकती हूँ, ये सच बता के कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मेरा इस तरह कुछ भी कहना शायद इन्हें और बाबू को अच्छा ना लगे। पहले भी मेरे वोट देने की वजह से इन्हें बाबू की इतनी डांट सुननी पड़ी, अगर फिर मैंने इनसे कुछ कहा तो बाबू को यही लगेगा कि मैंने अपना सच छिपाने के लिए इनका सहारा लिया। नहीं,
मुझे ये बात भाभू को ही बतानी होगी। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।